नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो है, जैसा कि आपने थंबनेल देख के पहचान लिया होगा और बहुत सारी वीडियो दिखाई जा रही हैं यूट्यूब पर, प्रोटेस्ट करते हुए भी गर्ल्स को आपने देखा होगा रोड पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। और बहुत लोगों की शिकायत है चिप को लेकर के कि चिप में टाइमिंग गलत आ रही है। और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि हमने वहाँ पर देखा है बहुत सारे लोग क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, टाइम रोड पर कुछ और आ रहा है और ग्राउंड में कुछ और आ रहा है। तो आज की वीडियो में सारा क्लैरिफिकेशन कर देंगे आपको, और साथ ही साथ एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे ऐसे शख्स की जिन्होंने खुद फिजिकल दिया है ग्राउंड पर, और उन्हीं के साथ में उन्हीं के एक फ्रेंड ने और दिया है फिजिकल ग्राउंड पर, और दोनों के दोनों ही क्वालिफाई भी हुए हैं। और क्वालिफाई होने के साथ साथ उन्होंने ही बताया है कि चिप में क्या गड़बड़ हो रही है। तो आइए एक बार वीडियो को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि चिप में सच में कोई गड़बड़ है या फिर ये फेक न्यूज़ है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आगे चलने से पहले, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी समय से मिल सके। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो सच्चाई क्या है, वो वीडियो क्या है, एक क्लिप के माध्यम से दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं और देख लीजिए। जय दोस्तों। तो भाई, बहुत सारे भाइयों के एक मैसेज थे, भाई चिप में गड़बड़ गया है। आज हमारा फिजिकल था, 16 तारीख को फिजिकल था, पर हमारा 22 तारीख को फिजिकल हुआ है, 16 वाला क्योंकि 22 तारीख को हो रहा था। तो भाई आज मैं इस टॉपिक के ऊपर सबसे पहले बात करूंगा, क्योंकि देखो सबसे पहले था हमारे में अंकित भाई का फिजिकल। अंकित का जो रोड पे टाइप था वो था भाई 5:25 भी था, 5:20 भी था। ये टाइप भाई मतलब बढ़ता घटता रहता, क्योंकि एक दिन हमेशा एक टाइप हो जाता। तो अंकित का जो टाइप आया था वो यहाँ था 5:37, क्योंकि 10 सेकंड यहाँ बढ़ के आई थी। और भाई मेरा जो रोड पे टाइप था वो 5:01 भी था, 5:08 भी जा रखा। मैं प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में आया था तो भाई मेरा 5:13 भी था। तो देखो भाई, चिप में कोई भी गड़बड़ी नहीं है बिल्कुल भी। ये भाई ये बहुत कह रहे कि चिप में गड़बड़ी है, भाई मेरा टाइमिंग नहीं आ रहा। भाई कोई गड़बड़ी नहीं है, इस बात को मान लो। अगर गड़बड़ी होती भाई, मेरा भाई ग्राउंड में मैंने टाइम लगाया, मेरा 5:13 आया आज, अरे एक बार भाई 5:18 आया था आज। मेरा टाइम थोड़ी धूप होगी थी तो बच्चों में भाई 50 बच्चों का बैच भी बनता, तो भागने में थोड़े बच्चे भी छाटने पड़ते, इधर से उधर होना पड़ता। तो मैं मानता हूँ 5-6 सेकंड और बढ़ सकती है। जो मेरा आज यहाँ टाइमिंग आया है वो 5:27 आया, और जो इस भाई का टाइम आया वो 5:44 आया। ये देखो भाई क्वालिफाइड है, हमने अपना फिजिकल किया, या क्वालिफाइड की कैंप देख सकते हो और ये इस भाई की देख सकते हो। तो भाई मैं यही कहूँगा कि चिप में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। आपने जिस तरीके से भाई ने वीडियो में बताया है कि चिप का जो आपका वीडियो वायरल हो रही है बहुत सारी, जिसमें बताया जा रहा है कि चिप में धांधलेबाजी चल रही है टाइमिंग को लेकर के, तो इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि ये खुद ग्राउंड पर गए हैं, इन्होंने खुद फिजिकल मारा है, और दोनों ही भाइयों का ग्राउंड अलग अलग भी था और दोनों ही फिजिकल में पास हुए हैं। तो ये बता रहे हैं इनके हिसाब से कि जो तैयारी कर रहा है सिर्फ वही यहाँ पर पास हो पा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है, जिन लोगों का 23 और 24 तारीख को फिजिकल है, जो लोग बहुत सारी वीडियो देख भी रहे हैं और बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, हमारे पास भी मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि सर चिप के ऊपर कोई वीडियो बनाइए, चिप की रियलिटी के बारे में बताइए, कोई ऐसा बंदा दिखाइए जिसको पता हो कि वो ग्राउंड में गया हो और वो पास हुआ हो। तो हमें एक ऐसा बंदा मिला, हमने उसकी वीडियो बनाई और आपको दिखाई। आई होप सो आपको अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि कोई धांधलेबाजी नहीं चल रही है। और अगर 1% ऐसा कुछ हो भी रहा है तो आप उन सब चीज़ों को बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, आपको सीधा ग्राउंड में जाना है और आपको 4 राउंड लगाने हैं। अपनी टाइमिंग आप खुद से देख सकते हैं, वॉच अलाउ की हुई है, सभी बच्चे वॉच ले जा सकते हैं। तो अगर आपके पास वॉच है तो डिजिटल वॉच आप प्रयोग कीजिए, जैसे ही आपका टाइम वहाँ से स्टार्ट होता है, जब वहाँ पर सेंसर पर आप जाएंगे पैर रख के, तो वहीं से आपका टाइम स्टार्ट होगा, वहीं से अपना जो स्टॉप वॉच होगी उसको स्टार्ट कर लेना और दोनों को टाइमिंग को मैच कर लेना, तो वो शायद आपका भी वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपकी तैयारी है तो आप लोगों का टाइमिंग वहाँ पर आ जाएगी, जैसा कि भाई ने बताया। और एक चीज़ और अगर आपने नोट की हो, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि मेरा 10 सेकंड, 20 सेकंड या 50 सेकंड का अंतर आ रहा है, लेकिन मेरा जब प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरा 6:10 पहले आ रहा था
और जब मैं यहाँ पर ग्राउंड पर आया तो मेरा 7 आ रहा है, यानी कि किसी किसी का 1 मिनट भी ऊपर हो गया है। मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली में हो क्या रहा है, जहाँ तक मैंने अभी तक नोटिस किया है, जिन भी बच्चों से पूछा है, तो हो ये रहा है कि जब आप भीड़ में 50-100 बच्चों के बैच में दौड़ रहे हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे पहले राउंड में ही थक जा रहे हैं, स्लो हो जा रहे हैं, बीच में आ रहे हैं आपके रास्ते में, तो जो दौड़ने वाले बच्चे हैं वो एक दूसरे को कट करते हुए आगे से जा रहे हैं, कोई पीछे से जा रहे हैं, कोई स्लो हो रहे हैं, कहीं रेत है, तो इस तरीके से आपका जो टाइमिंग है 25 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, वो मेरे हिसाब से जभी एक्स्ट्रा हो रहा है। और वो चीज़ हमें वहाँ पर नहीं समझ में आती, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब वहाँ पर इतने बच्चे नहीं होते, हद से हद 5-7 लोगों के साथ ही हम प्रैक्टिस करते हैं, तो यही मेरे हिसाब से तो दिक्कत हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिए। और 23-24 वालों के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा मौका है। एक चीज़ और कन्फर्म कराऊंगा, एक गुड न्यूज़ और दूंगा कल की वीडियो में, इतनी अच्छी गुड न्यूज़ होगी वो आपको, वो मैं कल ही बताऊंगा, कल ही वीडियो भी बना करके दिखाऊंगा और उसके बारे में सारी बातें बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप सो आपको सारी चीज़ें अब कंप्लीट जानकारी मिल चुकी होगी चिप से रिलेटेड, तो बेधड़क जाइए और अपना फिजिकल मारिए। 4 राउंड आपको कंप्लीट करने हैं, टाइमिंग के लिए आप घड़ी ले सकते हो, आपको इतनी छूट मिल रही है, और क्या चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके के और भी टॉपिक देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी समय से मिल जाए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आए, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।